गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसेस। बेटा हम अपना चैप्टर 7 रीड कर रहे हैं, या फिर जो आपकी न्यू बुक है उसका ये चैप्टर 6 है। कल हमने पढ़ा था जैन धर्म या जैनिज्म के बारे में, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म या फिर बुद्धिज्म के बारे में। लाइक महावीरा, लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द इविल प्रैक्टिसेस दैट हैड बिकम द पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन, बट अनलाइक महावीरा ही फॉलोड द मिडल पाथ। महावीरा की तरह ही जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने भी जो हिंदू धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उनके खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन महावीरा के से विपरीत उन्होंने मध्य मार्ग या फिर मिडिल पाथ अपनाया। डू यू नो इन अर्ली बुद्धिस्ट आर सच एज दोज फाउंड इन द पैनल्स ऑफ सांची स्तूपा। बुद्धा इज डिपिक्टेड नॉट थ्रू हिज इमेज बट थ्रू द यूज ऑफ सिंबल। फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स रिप्रेजेंट द रिनन्शिएशन एंड बोधी ट्री एनलाइटमेंट। अब देखो आरंभिक जो बौद्ध कला है जो कि सांची स्तूप के पैनल्स में देखी गई है, उसमें जो बुद्धा थे उनको उनकी इमेज के द्वारा, उनकी आकृति के द्वारा नहीं, बल्कि उनके सिंबल्स जो प्रतीक थे उनके लिए द्वारा दिखाया गया है। एग्जांपल के लिए जो घोड़ा है वो रिनन्सिएशन या फिर उन्होंने जो घर छोड़ा था उसको दिखाता है, जबकि जो बोधि ट्री है वो एनलाइटमेंट या फिर जो सच्चे ज्ञान की खोज उन्होंने की थी उसको शो करता है। लाइफ ऑफ बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो केम फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। हिज फादर शुद्धोधना वॉज द किंग ऑफ कपिलवस्तु। बुद्धा वॉज बॉर्न इन 6th century BC एट अ प्लेस कॉल्ड लुम्बिनी गार्डन। वैन हिज मदर महामाया वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हर मदर्स हाउस शी डाइड वैन द प्रिंस वॉज हार्डली 7 days old। देखो बुद्धा का जीवन, जो बुद्ध थे वो एक राजसी परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और वो कपिलवस्तु के राजा थे। जो बुद्धा था उनका जन्म 6th century BC में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ और उनकी माता महामाया थी। जब वो अपनी माँ के घर से लौट रही थी तो उनकी मृत्यु हो गई, जब जो प्रिंस थे या फिर जो बुद्धा थे केवल 7 दिन के थे। इट इज़ सेड दैट सिद्धार्था, दैट वॉज द रियल नेम ऑफ बुद्धा, टुक नो इंटरेस्ट इन वर्ल्डली अफेयर, स्पेंड लॉन्ग आवर्स इन मेडिटेशन बिफोर। देयर फॉर इज रॉयल फादर हु वॉन्टेड टू डाइवर्ट हिज अटेंशन इन द मटीरियल जॉयज ऑफ द वर्ल्ड अरेंज द मैरिज विद द ब्यूटिफुल प्रिंसेस यशोधरा। सिद्धार्था वॉज देन ओनली 19 years old। अ सन वॉज ऑल्सो बॉर्न टू हिम नेम्ड राहुल। ये कहा जाता है कि सिद्धार्था, जो कि भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था, का सांसारिक मामलों में कोई भी रुचि नहीं थी और वो ध्यान लंबे समय तक ध्यानमग्न रहते थे। इसलिए उनके पिता जो राजा थे या फिर उनके पिता चाहते थे कि उनका जो ध्यान है वो जो विश्व है उसमें आ जाए, आनंद लेने में वो ध्यान लगाएं, और इसलिए उन्होंने उनकी शादी, बुद्धा की शादी सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दी जब सिद्धार्थ केवल 19 वर्ष के थे। उनका एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। ग्रेट रिनन्सिएशन, महाग्रह त्याग। गृह त्याग मतलब जो घर छोड़ने की जो उन्होंने प्रोसेस शुरू की, जो घटना हुई थी। ऑल कम्फर्ट ऑफ पैलेस लाइफ एंड द जॉयज ऑफ मटीरियल ब्लिस कुड नॉट अफेक्ट द प्रिंस मच। वन डे ड्राइविंग विद हिज चैरियटियर छना ही केम अक्रॉस अ सिक मैन देन एन ओल्ड मैन विद हिज बैक बेंट। स्टिल अनदर डे ही सॉ द अगोनी ऑफ डेथ। ऑल दिस साइट मेड हिम सैड एंड क्लैमर टू फाइंड द मीन ऑफ सॉल्वेशन। देखो जो महल का जो जीवन था, सुख समृद्धि का जो जीवन था, उससे जो राजकुमार थे उनका जीवन प्रभावित नहीं हुआ। एक दिन जब वो अपने सारथी छन्ना के साथ जा रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, फिर एक बूढ़े आदमी जिसकी कमर झुकी हुई थी, और दूसरे दिन उन्होंने जो मृत्यु है उसका शोक देखा। ये सभी दृश्यों से वो बहुत परेशान हो गए और साल्वेशन या मोक्ष की प्राप्ति के लिए बेचैन या फिर आतुर हो उठे। ही फेल लाइक अ बर्ड इन केज। सो वन नाइट व्हेन हिज वाइफ वाज अस्लीप ही स्लिप्ड अवे फ्रॉम हिज रॉयल बेडरूम एंड रिनाउंस द वर्ल्ड। ही वाज देन ओनली 29 years old। दिस इवेंट इज कॉल्ड एज ग्रेट रिनन्सिएशन। और इन सभी दृश्यों से वो बहुत परेशान हो गए, और इसी कारण जब उनकी पत्नी सो रही थी तो वो अपने बेडरूम से बाहर चले गए, उन्होंने घर त्याग दिया, और इस समय वो केवल 29 साल के ही थे। ये जो घटना थी इसको महापरित्याग की घटना कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अटेनमेंट ऑफ हायर नॉलेज।
उच्च ज्ञान की प्राप्ति, लिविंग हिज होम ही रेज राज रिहा द कैपिटल ऑफ मगधा, बिकेम द डिसिपल ऑफ टू डिस्टिंग्विश टीचर ऑफ हिज टाइम, अलारा कलमा एंड उद्दका रामपुट्टा। अपना घर छोड़कर वो राजगृह पहुँचे जो कि मगध की राजधानी थी, और उस समय के दो महान गुरुओं के वो शिष्य बन गए, अलारा कलमा और उद्दका रामपुट्टा। गेटिंग नो सोलेस फ्रॉम देम, यहाँ पर भी उनको कोई शांति नहीं मिली और ये उनको ही लेफ्ट दम, उन्होंने छोड़ दिया। एंड प्रैक्टिस द सेवरिन ऑस्टेरिटी एंड पेनेंस इन द उरावेला जंगल्स नियर गया फॉर 6 कॉन्टीन्यूस ईयर्स, और वो यहाँ से चले गए और उन्होंने सेवरेस्ट ऑस्टेरिटी मतलब बहुत ही कड़ी तपस्या की, और अपने शरीर को यातना देते हुए उन्होंने उरावेला जंगल्स में लगभग 6 सालों तक तपस्या की, और ये जंगल जो बिहार में गया नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। ही रिड्यूस हिमसेल्फ टू मेयर स्केल्टन, ही वुड हैव कोलैप्स्ड हैड नॉट अ गर्ल ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क। एट लास्ट थिंकिंग दैट मेयर सफरिंग एंड सेक्रीफाइसेस कुड नॉट लीड हिम टू द ट्रूथ, ही लेफ्ट द पाथ। वो सूख कर बिल्कुल कंकाल हो गए या कांटा हो गए, उनकी मृत्यु होने ही वाली थी जब तक कि एक लड़की ने उनको एक दूध का ग्लास दिया, और अंत में उनको ये ज्ञात हुआ कि केवल यातनाओं से और अपना बलिदान देकर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने तपस्या का रास्ता छोड़ दिया। वन नाइट व्हेन ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीपल ट्री, ट्रू लाइट डाउन्ड ऑन हिम एंड बिकेम द बुद्धा और द एनलाइटेड वन। एक रात जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके ऊपर सच्चे ज्ञान का प्रकाश पड़ा और उनको और वो बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब होता है एनलाइटेंड वन, जिसको जिसमें ज्ञान का प्रकाश होता है। दिस हैपन्ड एट बोधगया इन बिहार व्हेन ही वॉज 35 ईयर्स ऑफ एज, और ये घटना बोधगया बिहार में हुई जब वो केवल आयु में 35 वर्ष के ही थे। ऑन द साइट वेयर बुद्धा गोट द एनलाइटमेंट नाउ स्टैंड द बोधि महाबोधि टेम्पल, वह जगह जहाँ पर बुद्धा को सच्चे ज्ञान का प्रकाश मिला था या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पर महाबोधि मंदिर का निर्माण करवा दिया गया है। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द वर्ल्ड, कन्फ्यूशियस लिव्ड इन दिस पीरियड ऑफ 551 एंड 479 BC, ही वॉज अ चाइनीज फिलोसोफर। ये जो महाबोधि टेम्पल है विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। ये इसी समय जो कन्फ्यूशियस था, जो राजा था, वो चाइनीज़ फिलोसोफर या दर्शन शास्त्री था, और वो इसी समय में, या फिर हम कह सकते हैं बुद्ध का वो कॉन्टेम्प्रेरी या समकालीन था, 551 से 479 या 479 BC तक वो जीवित रहे। प्रीचिंग वर्क, उपदेश का कार्य। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट डियर पार्क सारनाथ नियर बनारस एंड कन्वर्टेड 5 डिसिपल्स टू बुद्धिज्म। बुद्धा ने अपना पहला जो उपदेश था वो सारनाथ के नज़दीक डियर पार्क सारनाथ में के डियर पार्क में दिया, जो कि बनारस के नज़दीक है, और अपने 5 शिष्य बना लिए जो बौद्ध धर्म को मानते थे। दिस वेरी इवेंट इज नोन एज धम्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। इस घटना को धम्म चक्र परिवर्तन या फिर जो कानून का पहिया होता है उसके घूमने की प्रक्रिया कहा जाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अबाउट 45 ईयर्स बुद्धा स्पेंड इन प्रीचिंग हिज रिलीजन, मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ही विजिटेड कपिल वस्तु, वेयर हिज फादर सन लेडीज एंड मैनी पीपल बिकेम हिज डिसिपल्स। अब जो बुद्धा था उसने अपना बाकी का जीवन लगभग 45 साल अपने धर्म का उपदेश देते हुए जगह जगह घूमते हुए बिताया। वो कपिल वस्तु गया जहाँ पर उसके पिता, बेटे और सभी संबंधियों ने और बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और सब उसके शिष्य बन गए। लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ मगधा एंड कौशल इंक्लूडिंग देयर रूलर एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, एंड इन दिस वे बुद्धिज़्म बिगेन टू गेन पॉपुलैरिटी विद अ रैपिड स्पीड। और मगध और कौशल के बहुत सारे लोगों ने और वहाँ के राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया, और इस तरह जो बौद्ध धर्म है उसको लोकप्रियता बहुत तेज़ी से लोकप्रियता प्राप्त होने लग गई। ही ऑल्सो लेड फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट संघ और ऑर्डर ऑफ भिक्षुज विच डिड कमेंडेबल वर्क इन पॉपुलराइजिंग बुद्धिज़्म। बुद्धा ब्रीद हिज लास्ट इन अबाउट 483 BC एट कुशीनगर। बुद्धा ने जो बौद्ध संघ थी उसकी भी नींव रखी
जिसने सराहनीय काम किया बौद्ध धर्म को का प्रसार करने में। बुद्धा का जो निधन था कुशीनगर में 483 के अराउंड हो गया था। तो बेटा देखिए ये कुछ सीन बना रखे हैं जहाँ पे जो बुद्धा अपने सारथी छन्ना के साथ जाते हुए एक बूढ़े बीमार आदमी को देख रहे हैं, फिर एक शव यात्रा को देख रहे हैं, तो वो उनको ख़राब लग रहा है। ये 8-fold पाथ है जो कल हम पढ़ेंगे, तो यहीं तक आप पढ़ें। डाउट्स है तो डाउट सेशन में या फिर लाइव क्लास में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।